हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ, ये फेशियल मसाजर पे वीडियो है मेरी। तो इस पे बात करेंगे कि ये कैसी है, वर्थ इट है या नहीं है, अच्छी है नहीं, रिकमेंड करती हूँ नहीं, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, बात करते हैं कि ये कैसी है। अच्छा, जो इसकी पैकिंग थी वो मैंने फेंक दी है, और जो ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था तो इसका लिंक मुझे मिल गया, तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। लेकिन अगर नहीं भी मिला तो दराज पे आपको ये काफ़ी जगह पे जो है काफ़ी सेलर ये सेल कर रहे हैं, कि कोई कम प्राइस में सेल कर रहा है, कोई ज़्यादा प्राइस में सेल कर रहा है। तो जो आपको आपके मतलब की प्राइस लगती है आप वहाँ से ये ऑर्डर कर सकते हैं। तो बात करते हैं, ये इस मटेरियल में आता है। इसकी कोई हाई एंड इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर है, आपने जो मसाज करना है वो उससे हो जाएगा। तो बाकी मसाज की बात करते हैं, इसमें हमें 5 तरीके की अटैचमेंट मिलती हैं। हर एक अटैचमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये यूज़फुल है और ये किस लिए यूज़ की जा सकती है, किस लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से ये ओपन होता है और इधर 2 सेल डलते हैं। अभी मेरे पास सेल नहीं है, वो मैंने अभी निकाल के देखे हैं, अभी निकाल के देखे हैं। तो ये पता नहीं इस सेल को ख़राब हुए में क्या, खैर चल नहीं रहे, तो अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं अभी आपको दिखा दे वैसे बता देती हूँ कि इधर 2 सेल डलते हैं, ठीक है। इधर 2 सेल डलेंगे, इसके बाद जो है ये इधर अटैच होगा। 3 टाइप बटन है, ऑफ, लो और हाई। तो आपने जिस स्पीड पे आपने रखना हो तो ये रख सकते हैं। आपको पहले बात करते हैं, ये है एक पत्थर टाइप, आप इसको कह लो, वो बहुत हार्ड सा है, लेकिन ये मुझे अच्छा जितना पसंद नहीं है फेस के लिए। ये अपने फेस पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं किएगा ये वाला अटैचमेंट। ये क्रूड पॉलिश की तरह है, तो ये आप यूज़ करने के लिए, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको अपने पाँव पर यूज़ कर सकते हैं, हाथों पर यूज़ कर सकते हैं, एल्बो पे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे डेड स्किन जो है वो रिमूव बड़ी अच्छी तरीके से हो जाएगी, बट फेस पे ये आपने यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट अटैचमेंट, ये एक स्पंज टाइप है, तो इसको भी हम लोग यहाँ लगाते हैं, और इसको जो है वो गीला करके आप अपने जो फेस पे नाजुक की रियाज है, यानी कि अंडर आइज, अंडर नोज, और ये जो पूरे फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो यूज़ हुआ, मतलब ये बनाया गया, ये अंडर आइज़ के लिए है, पर आप पूरे फेस पे भी इसको लगा सकते हैं। कोई भी क्रीम आपने लगाई, कोई भी मसाजर आपने यूज़ किया, क्लींजर यूज़ किया, इसको वेट किया, इन सबको वेट करना लाजमी है। वेट किया और आराम आराम से जो है वो इन सबको का जो टाइम है मसाज का वो 2 मिनट से ज़्यादा आपने इसको यूज़ नहीं करना, और वीक में एक बार यूज़ करना है, वीक में एक बार, और हर अटैचमेंट को 2 मिनट से ज़्यादा नहीं यूज़ करना। नेक्स्ट अटैचमेंट की बात करते हैं, ये ऐसे ब्रश टाइप बना है, पर बहुत सॉफ्ट है, चुभने वाला नहीं है, बड़ा ही सॉफ्ट सा है ये ब्रश। और ये आप जो है कोई भी क्लिंजर यूज़ कर सकते हैं, क्लिंजर लगाया आपने और उसके बाद ये आपने लगा लिया। इवन कि अगर आप अपने वॉशरूम में रखो, इसको कैरी करना तो ईजी है, क्योंकि इसके साथ कोई केबल वगैरह नहीं है, कोई शू नहीं है, बस बैटरियां डलती हैं, मतलब सेल डलते हैं, तो आप इसको इजीली वॉशरूम में भी यूज़ कर सकते हो। आपने कोई फेस वॉश लगाया, फेस वॉश लगाने के बाद इसको वेट किया, वेट करके अपने फेस पे ऐसे 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 पूरा मसाज किया, तो उससे ये होगा कि आपकी स्किन के अंदर से जो डेड स्किन है वो अच्छे तरीके से अपने फेस वॉश काम करेगा, स्किन आपकी रेड सेल जो है डेड स्किन निकल जाएगी और फेस क्लीन अच्छे से कर देगा और ग्लो भी लाएगा। नेक्स्ट है ये स्पंज। ये एक ऐसा स्पंज है जैसे हमें फेस पाउडर में मिलता है, तो इससे आप अपनी फाउंडेशन लगा सकते हैं। फाउंडेशन आपने फेस पे अप्लाई की और उसको थोड़ा सा वेट करना है, हर ये इन सबको वेट करना लाजमी है। वेट किया और अपने स्किन पे ऐसे ऐसे रोल किया, मतलब आपने खुद हल्का सा रखना है, तो इधर से ऑन करना तो खुद ही रोल करेगा, तो ऐसे ऐसे डायरेक्शन में जो है आप अपनी फेस पे इसको रोल करेंगे तो आपकी फाउंडेशन बहुत ही फ्लॉलेस तरीके से अप्लाई होगी और बहुत ही इवनली अप्लाई होगी। नेक्स्ट अटैचमेंट जो है वो ये रोलर है, इसके अंदर छोटे छोटे रोलर्स बने हुए हैं, इसको घुमाने में आपको आवाज़ें आ रही होंगी, ये घूमते हैं, तो ये सबसे अच्छा है, ये आप तब यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जो फेस सीरम होते हैं, फेस ऑयल्स होते हैं जो हम लगाते हैं फेस पे,
या क्लींजर करते हैं आलमंड ऑयल की या कोकोनट ऑयल की आप अगर क्लींजिंग करते हैं, उससे जो है हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ेगी। जो हम लोगों ने फेस पे सीरम लगाएंगे, कोई भी चीज लगाएंगे, तो उसके बाद ये अगर आप जैसे विटामिन सी सीरम लगाते हैं आप, उसके बाद ये आप अपने फेस पे रोल करें, सारे फेस पे इसको जब से प्रेस करेंगे तो ये खुद ही यहाँ से घूमता है। तो उससे जो है हमारे फेस पे जो वो अगर आप वैसे अप्लाई करेंगे, एक बार उसने थोड़ा रिजल्ट देना है, तो वो जब ये आप लगा के वो लगा के इससे आप मसाज करेंगे तो वो दुगना फायदा देगा हमें। जहां उसने 50% फायदा देना है वहां वो 80% दे देगा, 100% दे देगा। तो ये बहुत अच्छा है, और ये आप कोई भी फेस पे कोई सीरम लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, तो ये उसके बाद ये बेस्ट है अपने फेस पे यूज करने के लिए। जी तो ये था रिव्यू। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।